क्योंकि यदि हम एक दूसरे को देखेंगे, भीड़ में यदि हम चलेंगे, एक दूसरे की कंसेंट यदि हम लेंगे, और होता भी यही है, मैं यहाँ देखता हूँ कि लोग बैठते हैं, बड़े नज़दीक नज़दीक बैठते हैं, और बैठ करके कोई जब बात उनसे कही जाती है, उन्हें हंसी आती है, तो एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि कोई दूसरा हंसे तो मैं हंसूं। रोना आता है तब भी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, क्या ये रोने की बात थी या ना थी, कोई दूसरा रोता हो तो मैं रोऊं। मन करता है ताली बजा दूं, मन करता है उठकर नाच दूं, लेकिन कोई दूसरा नाचता हो तो मैं नाचूं। मन करता है मेरे पास दौड़ करके हर वार्ता को सुनने, हर प्रेमपूर्ण संगत में आ जाऊं, लेकिन डर लगता है परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी दुकान छूटेगी, मेरी प्रैक्टिस छूटेगी, मेरा खेत छूटेगा, बारिश हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने आज कहा है, हम आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि तूफान आया है। अरे तुम्हें बाहर का तूफान तो दिखता है, लेकिन अंदर के तूफान से तुम अनजान हो। तुम इस बाहर के तूफान को तो देखते हो, लेकिन इस अंदर के तूफान को तुम देखते ही नहीं। वो रोज रोज तुम्हें खाता है, रोज रोज तुम्हारी धज्जियां उड़ाता है, जैसे तूफान टीन टप्पर उड़ा ले जाता है, वो तुम्हारे विवेक को उड़ा ले जाता है। लेकिन हम देखते हैं यदि दूसरा करे तो मैं करूं, तो तुम्हें इस भय से भी मुक्त होना पड़ेगा, इस दूसरे के भय से। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक जगह बैठा था, उसने सुना था, हल्का अंधकार था, उसने सुना था अंधकार में कई लोग आकर के लूटते हैं, मारपीट करते हैं, तुम्हें देखते हैं कि तुम अकेले हो, हमला कर देते हैं, ज़्यादातर लोगों ने यही सुना है। बड़ी बड़ी गैंग होती है, गैंग में लोग आते हैं, और जब गैंग में आते हैं तो होश नहीं होता। ये जितने उपद्रव तुम देखते हो, इसमें पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं आता, गैंग होती है। किसने किया तो गैंग है, आदमी तो कोई है ही नहीं। तो कई बातें सुन रखी थी, बैठा था एक दीवार पर, पास ही दीवार थी सड़क के, वो देखता है कि दूर से बहुत सारा उजाला दिख रहा है और नंगी तलवारें लेकर लोग उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो तो घबराया कि ये लोग तो शायद आज मुझे मारने ही आ रहे हैं। उसको लगा नहीं, शायद रास्ता दूसरी ओर भी घूमता है, उधर घूम जाएंगे, लेकिन देखता जाता है, हल्ला तेज होता जाता है, तलवारें ऊपर हिले जाती है, उसे लगता है ये तो कह रहे हैं आज तो हम इसको लेके जाएंगे। वो घबराया। दरअसल जो लोग आ रहे थे, जो तलवारें हिला रहे थे, वो एक बारात थी, बारात पास आ रही थी, लेकिन मुल्ला डर रहा था क्योंकि उसने तो अपने दिमाग में बैठा लिया था कि लोग मारने आ रहे हैं। जब बारात बिल्कुल पास आ गई तो वो डरा कि शायद मुझे मार ना दें, वो कूदा, दीवार पे से छलांग लगा के, एक ऊंची दीवार थी करीब 10 फुट ऊंची, उस पर चढ़ गया, बड़ी मुश्किल से पैर मारता मारता घसीटता पसीटता ऊपर चढ़ गया। डर लगाओ तो आदमी कुछ भी कर देता है। जैसे तैसे ऊपर चढ़ गया, ऊपर बैठ कर देखने लगा, और पास आने लगे लोग। अब बारात वालों ने देखा कि एक आदमी दीवार पर चढ़ा है, उन्हें इस बात का डर लगा, कुछ उच्छृंखल आदमी दिखता है, कुछ गड़बड़ करता दिखता है, तभी ये हमको देख करके भाग रहा है। उनमें से कुछ लोग इकट्ठे होकर के उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुल्ला तो घबराया, हो गया आज जो मैं सोचता था वही हुआ, आ गए ये लोग। वो तो आनंद फानंद में कूदा दूसरी ओर। जब दूसरी ओर कूदा
जिस ओर वो कूदा था वह एक कब्रिस्तान था, और ताजा ताजा वहां एक कब्र खोद रखी थी, कोई मुर्दा आने वाला था। उसने देखा कहां छुपूं, अब बाराती भी सोच रहे हैं कि कोई भागता है, इसे पकड़ना तो पड़ेगा। वे भी दीवाल चढ़ गए। आठ दस आदमी वे भी दीवाल पे चढ़ गए। मुल्ला तो और घबराया, सारे रोए रोए खड़े हो गए। जहां जहां से हवा निकल सकती थी सारी निकल गई। भागा, भाग करके कब्र में कूदा। उन्होंने देखा ये तो बड़ा छात्र लगता है, कब्र की तरफ भाग रहा है। वे भी पीछे भागे, कब्र में आंखें बंद करके पड़ गया जैसे मुर्दा। वे भी पास गए, पास जाकर के लाइट फेंकी, टॉर्च फेंकी और पूछा, कौन हो भाई तुम, यहां क्या कर रहे हो? मुल्ला सोचा अब तो आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, इन्हें पता पड़ ही गया है। आंखें खोला और बोला, यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, हम तो रास्ते से जा रहे थे, तुम दीवार कूद करके भागे हो, हम तो बारात में थे। जैसे ही वो ये बात सुना वो तो बिल्कुल ताजा होकर के बैठ गया। उन्होंने, मुल्ला बोलता है, छोड़ो, खत्म करो बात, यू आर हियर बिकॉज ऑफ मी एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। तुम यहां हो मेरी वजह से और मैं यहां हूं तुम्हारी वजह से, बात खत्म करो, हो गई बात। यही है हमारे जीवन में भी, यही है, हम एक दूसरे से डरे बैठे हैं। बच्चे डरते हैं माँ बाप क्या कहेंगे, रोज रोज ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने की बात करता है, दिमाग तो ठीक है, ये अकेले में जाके क्यों बैठता है, ये पेड़ों के नीचे क्या करता है, ये कहाँ आश्रमों वाश्रमों में जाता है, अभी तो छोटा है, अभी तो छोटी है। बच्चे ऐसा सोचते हैं यदि माँ बाप जाते हैं तो, कि तो समय से पहले बूढ़े हो गए, कहाँ इन वार्ताओं को सुनने जा रहे हैं, अभी तो जीवन बाकी है, क्यों जाते हैं। माँ बाप बचना चाहते हैं कि बच्चे ऐसा ना सोचें, और बच्चे बचना चाहते हैं कि माँ बाप ऐसा ना सोचें, इसलिए दोनों एक दूसरे से बच रहे हैं। कोई दुकान छोड़ने से बच रहा है क्योंकि दूसरा क्या सोचेगा, कोई काम छोड़ने से डर रहा है। डर अंदर है दूसरे का, और वो दूसरे का डर ऐसा ही है जैसा मैंने तुम्हें बताया, दूसरा भी तुमसे डर रहा है। अपने संकल्प को प्रगाढ़ करो, जितना संकल्प प्रगाढ़ होगा उतना ही तुम आगे बढ़ोगे, और ये संकल्प बहुत जरूरी है। यदि तुम जानना चाहते हो तो संकल्प की अति आवश्यकता है।